आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। कैमरा मेरा ये फर्स्ट स्पीच है, प्रथम बार मैं एमपी बन के आया हूँ और मैं अपनी अमेठी की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ और साथ में गांधी परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इस हाउस में आने का मौका दिया। आज ये मैं इस विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं इसका, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही इग्रुआ है, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी है और दूसरा हमारे यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है और तीसरा हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है, तो इसके अंदर ट्रेनिंग, सेफ्टी एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन तीन के ऊपर मैं बोलने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। विधेयक के अध्याय चार के बिंदु LMN ने अपने प्रशिक्षण और प्रमाणन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का उल्लेख किया है। इसमें मैं सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग की बात है तो हमारे इग्रुआ के अंदर 1570 पायलट अब तक देश को उन्होंने दिया, जो कि विभिन्न एयरलाइंस के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भारतीय सेना के विभिन्न अंगों को भी वहाँ के को पायलट की ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा मिली है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो कि 1985 में ये यूनिवर्सिटी 7 सितंबर को बनी थी, आदरणीय राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है यहाँ पे कि उसका जो ग्रांट है 2015 से, उसकी ग्रांट अभी तक नहीं दिया, जबकि पार्लियामेंट्री की पार्लियामेंट कमेटी जो कि डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में बनी थी, उनकी चेयरमैनशिप में, उन्होंने 2018 में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट किया था पार्लियामेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी, उनकी रिकमेंडेशन के बावजूद भी उसको ग्रांट नहीं दिया गया, क्योंकि इग्रुआ जो है बहुत ही प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान है, तो लेकिन उसका हालात जो है कि सेफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो सेफ्टी का ये हाल है वहाँ पे, क्योंकि ग्रांट की वजह से जहाँ पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे जो ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट हैं उसके, वो भी वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहे क्योंकि उनका कैलिब्रेशन नहीं हो पा रहा। जब कैलिब्रेशन नहीं हुआ तो उसके कारण, क्योंकि उसके अंदर पैसा लगता है तो उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से ये कहूँगा कि विधेयक के अंदर इस चीज़ों का भी प्रावधान रखा जाए कि नई ट्रेनिंग सेंटर बनाने से पहले जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर है हमारे, उनके ऊपर भी ये रखें कि उनकी ग्रांट्स प्रॉपर मिले उनको और उसका भी सुचारू रूप से ये करें। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 2018 से वहाँ कोई रेगुलर डायरेक्टर नहीं है और एक टेक्नीशियन को उन्होंने बीच में चार्ज दे दिया, जो कि सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत गलत है कि एक टेक्नीशियन कैसे फ्लाइंग की उसको नॉलेज होगी। उसी का परिणाम है कि 2019 से लेके 2023 तक 4 एयरक्राफ्ट वहाँ पे क्रैश हुए हैं, जिसके अंदर 3 बच्चों की वहाँ पे मौत हुई है। तो ये सेफ्टी के नॉर्म्स की बात है, तो इसका भी माननीय मंत्री जी संज्ञान लेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो हमारे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, बाकी नए तो जो खोल लें आप खोलिएगा ही उसको। और इसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक और है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर ये राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुई थी, जो पार्लियामेंट एक्ट 2013 के तहत वहाँ पे स्थापित हुई थी, लेकिन पहला वीसी 2016 में वहाँ पे अपॉइंट हुआ, उसके बाद 2017 में भवन बन के तैयार हुआ, 2018 में जो कंपनी KPMG को पेनल्टी लगाई गई थी डिले करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी कंपनी का पार्टनर बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, और उसी यूनिवर्सिटी का वो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया। तो ये चीज़ें भी इस बिल के अंदर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के लोग आके खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जो डिफाल्टर है, जिसकी कंपनी वहाँ पर डिफाल्टर हुई अपना कंस्ट्रक्शन में, वही आदमी बन के चला आया। तो उसके बाद मेरा 2019 में पहला रजिस्ट्रार वहाँ पे हुआ,
2013-2019 छः साल आप लगा लीजिए। उसके बाद फिर 5 अगस्त 2019 को पहला वहाँ कोर्स लॉन्च हुआ जो पीजी डिप्लोमा एयरपोर्ट ऑपरेशंस का कोर्स है। तो वहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें वहाँ हो रही हैं, जो कोर्स वहाँ पे चलने चाहिए थे अब तक वो अभी तक वहाँ पे नहीं चल रहे। तो ये क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत ये बनी थी यूनिवर्सिटी और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसका संज्ञान मंत्री जी को लेना चाहिए। उसके बाद ये उसके बाद जो इसकी सेफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कोर्स शुरू किया गया था, वो कोर्स ये शुरू किया गया था कि वहाँ पे फायर सेफ्टी के लिए कोर्स शुरू किया गया था। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी कोर्स शुरू कर दिया गया, उसमें एक बच्चे की जान चली गई क्योंकि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, उसको जाने में देर हुई। महाराष्ट्र का लड़का था, सतारा का, वो वहाँ पे 22 साल का बच्चा वहाँ पे डेथ हो गई। तो ये चीज़ें जब सेफ्टी की बात हम करते हैं तो ये चीज़ें भी साथ आती हैं कि इनके ऊपर भी इस वायुयान उसमें शामिल किया जाए इन चीज़ों को। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो हो गया, फैकल्टी भी अभी कुछ नहीं है क्योंकि जीएमआर के साथ जॉइंट वेंचर करके कोर्सेज शुरू किए गए थे, तो अभी उसकी भी स्थिति पूरी है नहीं कि कैसे क्या करेंगे। उसके बाद लास्ट के अंदर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्योंकि हमारे लीडर प्रतिपक्ष ने 2A का किया था, A1 A2 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 8-3 का नाम दे देते हैं क्योंकि संसद में शायद नाम नहीं लिया जाता, तो वो भी उसका नाम भी ऐसे ही शुरू होता है। तो वो जिस आदमी ने इतना यहाँ पे वो किया, करप्शन किया और बाद में VC एक्टिंग VC बना और जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये था, यहाँ पे क्योंकि मेरे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी फैक्ट्री है, उसके अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस विधेयक के अंदर क्योंकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स की बात चल रही है, क्या ये HAL को भी उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम देंगे या प्राइवेट प्लेयर्स उसके अंदर आएंगे? क्योंकि HAL की अभी वर्तमान जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पे काम की कमी है। तो ये है कि अगर वो पब्लिक सेक्टर है तो उसको भी काम दिया जाए। और बाकी क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ तो अमेठी मेरा संसदीय क्षेत्र है, तो पंजाब में आदमपुर जो हमारा हवाई अड्डा है वो NRIs का मेन गढ़ है, तो उस हवाई अड्डे पे नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अगर शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि NRIs बहुत से लोग जो हमारे विदेशों में रहते हैं वहाँ से जाते हैं। तो मैं दूसरा हमारा फुर्सतगंज का जो सिविल एयरपोर्ट बनाने की बात थी उसका भी काम चल रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से चल रहा है काम कि अगर उसको भी पूरा करेंगे तो हमारे अमेठी और रायबरेली, प्रतापगढ़, ये तमाम जिलों के लोगों को लाभ होगा। आप धन्यवाद महोदय जी, आपने मेरे को बोलने का दिया। धन्यवाद।